हमारे सोलर सिस्टम में जीवन की अगर कहीं प्रबल संभावना है तो वो है मार्स यानी मंगल ग्रह पर, क्योंकि इस अति आकर्षक लाल ग्रह पर हुए कई रिसर्च के दौरान ये पता चला कि आज से कई साल पहले यहाँ पर नदियाँ और कई विशाल झीलें मौजूद थी, जिनके साथ ही यहाँ पर जीवन भी मौजूद था। इसीलिए एलन मस्क जैसे दिग्गज इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? इसके अलावा इस खूबसूरत लाल ग्रह पर जीवन होने के कई संकेत मिले हैं। मंगल पर जीवन के सबूत देखें तो पहला सबूत 1976 में मार्स पर भेजे गए वाइकिंग लैंडर से मिला था। इससे पहले वैज्ञानिक मंगल को एक सूखा और बंजर ग्रह समझते थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह पर पानी तरल पदार्थ में पाया है, जिसकी वजह से मंगल पर जीवन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रियों और मंगल यात्रा पर जाने वाले टूरिस्ट्स के लिए मंगल ग्रह पर घर बनाए नहीं बल्कि उगाए जा सकेंगे। लेकिन ये कैसे संभव होगा? इन सारे सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे। वैसे वैज्ञानिक लंबे समय से मानते आ रहे थे कि कभी पूरे लाल ग्रह पर पानी भरपूर मात्रा में बहता था और यहाँ पर जीवन भी मौजूद था। लगभग 3 अरब साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव के कारण मंगल का नक्शा ही बदल गया। मंगल ग्रह बंजर और सूखा हो गया। विज्ञान मैगजीन नेचर एस्ट्रोनॉमी में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि इस साल 2018 में खोजी गई झील मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। झील तकरीबन 20 किलोमीटर चौड़ी है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की सतह के बारे में। मंगल ग्रह के रंग और खूबसूरती ने इस ग्रह को और अधिक आकर्षक बना दिया है। ये एक लाल रंग का ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। मार्स कोई गैस का पिंड नहीं बल्कि एक स्थलीय ग्रह है, मतलब ये कि इस ग्रह के पास अपनी जमीन है। इसका वातावरण बहुत घना नहीं है। इसकी सतह देखने पर पृथ्वी के समान ही है। यहाँ पर ज्वालामुखी, रेगिस्तान, घाटियाँ और बर्फीली चोटियाँ पृथ्वी के समान ही मौजूद है। हाल ही में नासा द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में मंगल के विशाल पर्वत नजर आ रहे हैं, जो करीब 250 मील से अधिक लंबे हैं, जो कि मंगल की एक चौथाई परिधि पर मौजूद है। इसके अलावा मंगल पर बहुत सारे कैनियन भी मौजूद हैं। इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर चंद्रमा के समान ही हैं। हालांकि ये तय नहीं कि इसकी सतह किन तत्वों से बनी है और इसकी सतह के भीतर क्या है। इसके साथ ही अगर हम मंगल ग्रह के मौसमी चक्र की बात करें तो इसका मौसमी चक्र भी पृथ्वी जैसा ही है। हमारी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, तो वहीं मंगल को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 2 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मंगल ग्रह का एक दिन 25 घंटे से थोड़ा ज्यादा होता है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के मिशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में मंगल ग्रह पर पानी के स्रोत का पता लगा लिया। उन्हें मंगल ग्रह की जमीन के अंदर पानी की 3 विशाल झीलें मिली हैं। इससे पहले भी वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर एक बहुत बड़ी नमकीन पानी की एक झील 2018 में मिली थी, जो बर्फ के नीचे दबी है। मंगल पर पाई गई इन झीलों का पता लगाने से यहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बारे में रोम यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोसाइंटिस्ट एलेना पेंटिनेली का कहना है कि हमारे द्वारा 2 साल पहले खोजी गई झील के आसपास ही 3 और झीलों का पता लगा लिया गया है। मंगल ग्रह पर पानी के स्रोतों का अत्यंत दुर्लभ जाल नुमा कुआं सा दिख रहा है, जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान मैगजीन नेचर एस्ट्रोनॉमी में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि मंगल ग्रह पर पाया गया ये अब तक का सबसे बड़ा जल निकाय यानी वाटर बॉडी है। ये बर्फ से ढकी हुई है। ये तकरीबन 20 किलोमीटर चौड़ी झीलें हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्वीनेन बर्न यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर जैन डफी ने इसे एक बहुत बड़ी सफलता बताया है। इस बड़ी सफलता का श्रेय नासा द्वारा भेजा गया क्यूरियोसिटी रोवर को दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोवर ने मिट्टी की नमी को देखकर इस बात का पता लगाया है। इसके अलावा क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह की टूटी चट्टानों में 3 अरब साल पुराने कार्बनिक विषाणु मिले हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस ग्रह पर पहले जीवन अवश्य रहा होगा।
क्योंकि वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर कीट पतंगों और रेंगने वाले कई जीवों की डेड बॉडीज मिली हैं। डॉक्टर विलियम रोमोसर के मुताबिक मंगल से आई इन तस्वीरों से पता चलता है कि धरती की तरह ही मंगल पर भी मक्खियां और सांप जैसे रेंगने वाले जीव मौजूद हैं। ये तस्वीरें क्यूरियोसिटी रोवर से ली गई हैं। इन जीवों का मिलना भविष्य में होने वाले अहम रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पहले भी मंगल ग्रह पर कई पैरों वाले जीवों की आकृतियां मिल चुकी हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने जब से मंगल पर मीथेन का पता लगाया है, तब से वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि मार्स पर आज भी जीवन हो सकता है। कहा जाता है कि मार्स का जब एटमॉस्फेयर खत्म हुआ था, तब सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे चले गए। वहां की परिस्थितियां उनके अनुकूल थी, इससे वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से बच गए और उन्हें सतह के नीचे ही सही तापक्रम के साथ ही बहने वाला पानी भी मिल गया, जिससे उनका जीवन संभव हो सका। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि मंगल पर जीवन हमारे पृथ्वी ग्रह से ही गया होगा। आज से 65 मिलियन साल पहले एक स्टेरॉइड जब पृथ्वी से टकराया था, जिससे विशालकाय डायनासोर का अंत हुआ था। उस समय एक भीषण टक्कर होने के बाद जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और माइक्रो ऑर्गेनिक स्पेस पर गए थे, उन टुकड़ों में से कुछ टुकड़े मंगल ग्रह पर भी गए होंगे और इन्हीं टुकड़ों में मौजूद सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह पर भी पहुंच गए होंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह पर होने वाले विभिन्न रिसर्च और मिशन के बारे में। 28 नवंबर 1964 को जब नासा ने मार्नियर 4 को लॉन्च कर मंगल ग्रह पर भेजा, तब इंसानों ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह यानी मंगल ग्रह की अद्भुत तस्वीरें देखी। इसके बाद 30 मई 1971 में मार्नियर 9 को लॉन्च किया गया। ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचकर उसका पहला कृत्रिम उपग्रह बन गया। इससे पता चला कि मंगल ग्रह पर धूल भरे तूफान उठते रहते हैं। मैरिनियर 9 ने अपने मिशन के दौरान 7329 तस्वीरों को सफलतापूर्वक धरती तक पहुंचाया। इसके बाद सोवियत मार्स प्रोग्राम के तहत मार्स 3 को मंगल ग्रह पर भेजा गया। ये मार्स 2 के 9 दिन बाद 28 मई 1971 को लॉन्च किया गया। 2 दिसंबर 1971 को मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन करने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान बना। नासा ने 1975 में वाइकिंग प्रोग्राम के अंतर्गत वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 मंगल ग्रह पर भेजे। इस मिशन को मंगल की सतह पर वो सभी जरूरी तत्व मिले जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। 1996 में नासा ने मंगल पर रोबोटिक एयरक्राफ्ट मार्स ग्लोबल सर्वेयर को उतारा। मार्स ग्लोबल सर्वेयर पहला अंतरिक्ष यान था जो मंगल पर कक्षा में प्रवेश करने के लिए एरोब्रेकिंग का उपयोग करता था। इसके बाद साल 2001 में नासा ने मार्स क्यूरियोसिटी रोबोटिक एयरक्राफ्ट को मंगल पर काम करने भेजा। ये मंगल पर सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाला रोवर है। जनवरी 2016 को नासा ने बताया था कि क्यूरियोसिटी एंड अपॉर्चुनिटी मंगल पर प्रेजेंट स्टडी के साथ साथ प्राचीन जीवन के सबूतों की खोज भी करेंगे। वर्ष 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्स एक्सप्रेस भेजा। ये यूरोप का पहला मार्स मिशन था। इसका मकसद मंगल का वातावरण और मिट्टी का अध्ययन करना था। मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद नासा ने अपने मार्स मिशन 2020 के तहत मंगल ग्रह पर 30 जुलाई 2020 प्रिजर्वेंस रोवर को लॉन्च किया, जो कि 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में उतरेगा। इसके साथ ही नासा इस लाल ग्रह पर हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी भी लॉन्च करेगा। रोवर स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी रेत में फंस गए थे और क्यूरियोसिटी रोवर को भी इसी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए नासा ने फ्लाइंग रोबोट डेवलपमेंट करने की योजना बनाई है, जो रोवर से आगे जाकर आगे के रास्ते के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ खतरे के बारे में भी जानकारी दे सके। इसीलिए नासा ने इस हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी को मंगल मिशन के दौरान प्रिजर्वेंस रोवर के साथ काम करने की योजना बनाई है। इसकी लैंडिंग की तारीख 18 फरवरी 2021 नियोजित है। साथ ही पहली बार ये मंगल पर कोई आवाज पकड़ने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग करेगा। ये रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज करेगा, साथ ही मंगल की वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने के तरीके की खोज करेगा। इसके अलावा नासा द्वारा मंगल पर ये रोवर्स भी भेजे जा चुके हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी रोवर, फिनिक्स रोवर, स्प्रिट मिशन, क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि एक मूविंग रोबोट है जो मंगल ग्रह पर भेजा गया। स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी रोवर मंगल पर आने वाले धूल के तूफान में फंस गए थे। स्प्रिट का 2010 में संचार पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं सावधानी पूर्वक संचालन के कारण अपॉर्चुनिटी रोवर पृथ्वी के समय अनुसार मार्स पर 14 वर्ष 46 दिन तक ऑपरेटिंग करता रहा। फिर 10 जून 2018 को इसने नासा से आखिरी बार संपर्क किया।
मंगलयान 2। मंगलयान 2 या मार्स ऑर्बिटर मिशन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मंगलयान 2 के नाम से दूसरा ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी में है। इसे मंगल यात्रा के लिए 2023-24 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इस मिशन के तहत ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को साथ ले जाया जाएगा और जीवन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। मंगलयान, इससे पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने PSLV-C25 से 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान को प्रक्षेपित किया था। ये एक सस्ता मिशन था जो पहले ही ट्रायल में सफल हुआ। इस मिशन में भारत के तकरीबन $74 मिलियन खर्च हुए, तो वहीं मंगल मिशन के लिए नासा ने तकरीबन $600 मिलियन खर्च किए हैं। 23 सितंबर को मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने मार्स ऑर्बिटर मिशन को पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। ऐसा करने वाला भारत पहला एशियाई देश बना। अब तक मंगलयान ने मंगल ग्रह की 1000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी हैं। 5 साल में अब तक मंगलयान ने इसरो के डेटा सेंटर को 5 TB से ज्यादा डेटा मिल चुका है। इन सैकड़ों तस्वीरों के आधार पर इसरो ने मंगल एटलस तैयार किया है जो इसरो वेबसाइट पर उपलब्ध है। देश भर के वैज्ञानिक मंगल के अध्ययन में इसका उपयोग कर रहे हैं। सितंबर 2020 तक भारत का मंगलयान 1 मंगलयान के कक्षा में 6 वर्ष पूरे कर चुका है। मंगल ग्रह के लिए अपकमिंग मिशन। इस समय नासा, चीन और UAE तीनों के अभियान मंगल ग्रह की ओर जा रहे हैं। इसमें नासा का परसिवियरेंस रोवर, चीन का Tian  1 और UAE का होप प्रोब शामिल है। ये तीनों जल्द ही मंगल पर पहुंचेंगे, जहां नासा का परसिवियरेंस रोवर 18 फरवरी 2021 को मंगल पर उतरेगा। UAE का होप प्रोब मंगल का चक्कर लगाते हुए उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, लेकिन चीन के मिशन में एक प्रोब, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। ये किसी देश का इस तरह का पहला मिशन है। वैसे तो शुक्र ग्रह यानी वीनस पृथ्वी के ज्यादा करीब है। अगर पृथ्वी से सीधे मंगल की यात्रा की जाए तो 26 महीने का समय लग सकता है, लेकिन वही शुक्र से मंगल की दूरी 19 महीनों में ही पूरी की जा सकती है। शुक्र पर 1 साल के मिशन में मंगल पर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट शुक्र की ग्रेविटी का मंगल पर जाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उनका समय, ईंधन व पैसा भी बच सकेगा। वीनस को सेफ्टी सपोर्ट की तरह यूज किया जा सकता है। ये तो वही बात होगी, एक पंथ दो काज, यानी शुक्र अभियान के साथ साथ मंगल अभियान की भी तैयारी, वो भी किफायती बजट में। इसीलिए नासा शुक्र ग्रह पर जाने की योजना बना रहा है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर घर बनाने के लिए लगने वाली सामग्री बनानी नहीं बल्कि उगानी होगी, क्योंकि घर बनाने वाली सामग्री को अंतरिक्ष में ले जाना मिशन को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए कैलिफोर्निया में नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के एक प्रोजेक्ट माइक्रो आर्किटेक्चर के वैज्ञानिकों ने एक फंगस वनस्पति उगाई है जिसे मेसीलिया कहते हैं। इस फंगस से बनी ठोस सामग्री को अंतरिक्ष में घर बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। ये परियोजना नासा के इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट कार्यक्रम का हिस्सा है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की टीम ने 3 परतों वाला एक गुंबददार घर डिजाइन किया है। इसमें बाहर की ओर बर्फ की एक जमी हुई परत होगी जो अंतरिक्ष यात्रियों का एक विकिरण से बचाव करेगी। मैसीलिया से बनी ईंट, लोहे, सीमेंट और स्टील जितनी मजबूत और टिकाऊ भी होगी, जिससे मंगल ग्रह और चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों और घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक मजबूत घर का निर्माण किया जा सकेगा। नासा और स्पेस एक्स मिलकर मानव को मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहे एलन मस्क जैसे दिग्गज मार्स पर बस्तियां बसाने का सपना भी देख रहे हैं। क्या कभी इंसान मंगल ग्रह पर भी कब्जा कर सकता है? इतना ही नहीं, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के एक प्रोजेक्ट के तहत साल 2030 तक मनुष्य के पैर मंगल ग्रह की जमीन पर होंगे। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट भविष्य में हम मनुष्यों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने का काम करेगा। अभी हाल ही में टेक्सास के तट पर स्टारशिप रॉकेट का टेस्ट लॉन्च किया गया। इसके बाद स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने इस उड़ान के चंद मिनट बाद ही ट्वीट करते हुए लिखा, मंगल ग्रह है, हम आ रहे हैं। उड़ान के कुछ समय बाद रॉकेट का जब तीसरा इंजन लैंडिंग से कुछ समय पहले ही शुरू किया गया,
तब रॉकेट की गति को धीमा किया ही जा रहा था कि तभी रॉकेट में एक विस्फोट हो गया और रॉकेट आग के शोलों में बदल गया। विस्फोट के बाद एलन मस्क ने इसे सफल प्रयोग करार दिया। एलन मस्क प्रकाश की गति से चलने वाला रॉकेट बनाना चाहते हैं ताकि इसे आसानी से मंगल ग्रह तक भेजा जा सके। इसके लिए एलन मस्क कहते हैं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स चले। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा अगर मैं इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दूं। नासा ने भी स्पेस एक्स को स्टारशिप बनाने के लिए $135 मिलियन का फंड दिया है। इसके अलावा अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन और डायनेटिक्स की कंपनी भी अगले एक दशक के अंदर चांद और मंगल ग्रह से जुड़ी गतिविधियों को लेकर कई तरह के प्रयास करने जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की कोई संभावना तलाश पाते हैं या नहीं, और हम इंसानों को सबसे पहले मंगल ग्रह पर ले जाने में कौन कामयाब होता है और कब तक।